बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक नाम है दीपिका और रणवीर का। ये बॉलीवुड के उन कपल्स में से एक है जिनका प्यार ऑन स्क्रीन शुरू हुआ और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने साल 2018 में इटली में शादी की। फिल्मों से बना उनका ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। दोनों एक दूसरे को लेकर अपना प्यार सोशल मीडिया पर जाहिर करते रहते हैं। समय समय पर इंटरव्यूज और शो के दौरान दोनों एक दूसरे से जुड़े सीक्रेट भी बताते रहते हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभी हाल ही में शादी की तीसरी सालगिरह मनाई थी। दोनों की शादी साल 2018 में 14 और 15 नवंबर को इटली में हुई थी। शादी की चर्चाएं साल 2018 की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। शादी के बाद दीपिका ने बताया था कि वाइफ के तौर पर वो कैसी हैं। इसके साथ ही रणवीर सिंह के बेडरूम सीक्रेट भी शेयर किए थे। दरअसल शादी के बाद एक कपल एक इवेंट में पहुंचा था। वैसा तो हो ही नहीं सकता है कि जहां ये दोनों जाएं और इन पर सवालों की बारिश ना हो, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि शादी के बाद दोनों की लाइफ कितनी बदली है। इवेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए दीपिका ने वो कह दिया जिसे सुन खुद रणवीर हैरान रह गए। दीपिका ने जब रणवीर के स्टाइल और ब्यूटी सीक्रेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, रणवीर काफ़ी देर तक शावर लेते हैं और तो और टॉयलेट में भी काफ़ी लंबे वक्त तक रहते हैं। दीपिका ने आगे कहा था कि वो बेड में भी काफ़ी वक्त लगाते हैं। अब ऐसे में दीपिका की आखिरी लाइन जैसे ही वहां मौजूद सबने सुनी तो काफ़ी दंग रह गए। हर किसी को लग रहा था कि अरे ये दीपिका क्या बोल गई। खुद रणवीर दीपिका के चेहरे की ओर देखने लगे और सोच में पड़ गए। इसके बाद दीपिका ने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि रणवीर बिस्तर पर सोने के लिए जाने पर भी काफ़ी वक्त लगाते हैं। अब जो भी हो, लोगों को इनकी ये बात तो पता चल गई है। वहीं रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके दिन की शुरुआत उनकी पहली चाय से होती है। दीपिका सबसे पहले रणवीर के लिए चाय बनाकर लाती हैं, वहीं इसके बाद वो रणवीर के लिए एक स्पेशल रसम और चावल बनाती हैं जो उन्हें बेहद पसंद है। दीपिका बिना नाश्ता किए रणवीर को नहीं जाने देती। रणवीर ने बताया था कि उनके दिन की शुरुआत भजन के साथ भी होती है, क्योंकि जैसे दीपिका सुबह जागती हैं तो वो भजन लगा देती हैं। अब ये कपल अपनी बेहद खुश और सक्सेसफुल जिंदगी को जी रहा है और बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी दोनों ही बिता रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ। धन्यवाद।